राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत। 2018 मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली राहत। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। मानहानि केस में राहुल गांधी की सुल्तानपुर की जिला सिविल कोर्ट में हुई पेशी। सुल्तानपुर जिला अदालत में पेश होने के लिए जारी किया था समन। राहुल गांधी ने साल 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुरू की जन विश्वास यात्रा। यात्रा से पहले गायों को चारा खिलाया। पिता लालू यादव से लिया आशीर्वाद। जन विश्वास यात्रा के आगाज से पहले तेजस्वी यादव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कहा, जनता के मत को पैर की जूती समझते हैं सीएम। नीतीश पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा, गठबंधन बदलने का ना तो कोई विजन है और ना ही कोई कारण। हमने 17 महीनों में जो काम किया हम उसे जनता के सामने रखेंगे। का ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। 1 मार्च तक चलने वाली जन विश्वास यात्रा का मुजफ्फरपुर से शुभारंभ। राज्य के 33 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। तेजस्वी एक दिन में 3-3 जनसभाओं के जरिए 17 महीने के कामकाज को लोगों को जानकारी देंगे। जन विश्वास यात्रा पर निकलते समय तेजस्वी ने अपनी बेटी कात्यानी को गोद में लेकर प्यार किया। बेटी को छोड़कर जाने को लेकर इमोशनल हुए तेजस्वी। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा, पहले तेजस्वी को लूट यात्रा निकालनी चाहिए। अपने परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने जांच के लिए मांगे निरस्त बैलेट पेपर और वीडियो देखे जाएंगे। पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग पर भी की गई चिंता। कोर्ट ने कहा, चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों के दल बदल चिंता का विषय। रिटर्निंग ऑफिसर मसी को हाजिर रहने के आदेश दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला बैलेट पेपर पर लगाया था क्रॉस। चुनाव के बाद वोटों की गिनती के दौरान वीडियो हुआ था वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे की ओर देखते पाए गए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की रखी शर्त। कहा, सूबे में सीट शेयरिंग पर रजामंदी होते ही मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ की राजनीति का आरोप। कहा, पीएम मोदी ने कालाधन, रोजगार और हर शख्स के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए देने के बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। गांधी नेहरू परिवार के पुराने गढ़ रहे अमेठी पहुंचने पर हुआ राहुल का जोरदार स्वागत। हालांकि 1-2 जगहों पर राहुल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गुस्साए लोगों ने राहुल को गो बैक के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज। कहा, अमेठी के लोगों ने नकारा तो सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से लाई गई भीड़। आज दोपहर 2 बजे राहुल गांधी की यात्रा अमेठी से रायबरेली के लिए होगी रवाना। रायबरेली से होती हुई भारत जोड़ो नया यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। शाह उदयपुर में 24 विधानसभा के 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आम चुनाव को लेकर शाह देंगे रणनीतिक गुण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 21 फरवरी को पंजाब दौरा। पंजाब सीएम भगवत मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नए नाम का ऐलान किया। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का अब नया नाम होगा राष्ट्रीय लोकमंच। जम्मू दौरे पर पीएम मोदी। एम्स, आईआईटी, आईएम समेत 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। घाटी के 1500 नए कर्मचारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी आज जम्मू को एम्स, आईआईटी और आईएम सहित 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जम्मू से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईटीडीएम कांचीपुरम, आईआईएम बोधगया, आईआईएम विशाखापट्टनम, भारतीय कौशल संस्थान कानपुर संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे। तनाव के बीच किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग। 21 फरवरी को नए सिरे से किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। 21 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। किसान संगठनों ने कहा, अब सरकार ने इससे नहीं होगी कोई बात। खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए किसानों को तैयार रहने के लिए कहा। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा
आरजेटिक गुट ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों ने एक सुर में 23 फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून पर अध्यादेश जारी करने की मांग दोहराई। एसकेएम और राजनीतिक गुट के नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा, सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं, सरकार के मौजूदा प्रस्ताव से नहीं हो सकता है किसानों का भला। हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरबर सिंह पंडित ने कहा, एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर सरकार बनाकर हमें दे, जो फसल बचेगी उस पर स्टडी करके फैसला किया जाए। इस तरह से पंजाब किसान नेताओं के ऐलान के बाद संभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी हलचल, दिल्ली कूच को लेकर नए सिरे से तैयारियां में जुटे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 21 से 22 फरवरी को लेगा आंदोलन पर अंतिम फैसला, मौजूदा आंदोलन को एसकेएम नैतिक समर्थन दे रहा है, हालांकि एसकेएम ने भी सरकार के कॉन्ट्रैक्ट गारंटी प्रस्ताव को खारिज किया। हरियाणा मानेसर और उसके आसपास के किसान आज पैदल करेंगे दिल्ली मार्च, कल हुए महापंचायत में हुआ था फैसला, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर पीएम आवास से तक मार्च। केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद हरियाणा सरकार ने 20 फरवरी तक बढ़ाई इंटरनेट पर रोक, अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल जिंद सिरसा फतेहाबाद और हिसार में बंद है इंटरनेट। हरियाणा पंजाब में इंटरनेट बंद किए जाने पर किसान नेताओं ने उठाए सवाल, केंद्र और राज्य सरकारों पर लगाया किसानों के आड़ में आम लोगों को परेशान करने का आरोप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, पिछली बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तब वो खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। राबड़ी देवी बोली, 25 साल से हमारे ऊपर जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, जांच में अब तक कुछ नहीं निकला, हमारे साथ देश और बिहार की जनता है। बंगाल में संदेश खाली के दौरे पर गई एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बड़ा बयान, कहा महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, रेखा शर्मा ने दावा किया कि दो रेप पीड़िता सहित 18 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। संदेश खाली सामूहिक यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की याचिका ठुकराई, कहा एक ही मामले में सुनवाई दो जगह करने का औचित्य नहीं। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, फेमा मामले में पेशी से छूट देने से ईडी का इनकार, नया समन जारी कर 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी लिस्ट, 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान, गाजीपुर से माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को टिकट। यूपी में सपा के कद्दावर नेता सलीम शेरवानी ने दिया पार्टी से इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दिया इस्तीफा, इंडिया गठबंधन को बताया मजाक। यूपी के पूर्व मंत्री और हाल में सपा से इस्तीफा देने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई नई पार्टी, सोमवार को नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान किया, झंडा भी किया लॉन्च। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा पत्र, पार्टी में अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार की खबर, उद्धव ठाकरे ने राज्य की 48 में से 18 सीटों पर किया चुनाव प्रभारी का ऐलान, मुंबई की 6 में से 4 सीटें भी शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से होगी 2,68,00,000 की वसूली, नगर निगम ने मलिक के घर चस्पा किया नोटिस, मलिक की प्रॉपर्टी बेचकर हर्जाना वसूलने की तैयारी। यूपी के धार्मिक शहरों की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, वाराणसी अयोध्या और मथुरा सहित 8 शहरों के लिए 86,000 करोड़ की राशि मंजूर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है, सोशल मीडिया पर पत्र लीक के दावों की होगी आंतरिक जांच। शिवनेरी किले में मनाई गई शिवाजी महाराज की जयंती, जयंती पर आयोजित समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की शिरकत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से अयोध्या आ रहे हैं श्रद्धालु, राम मंदिर में रामलला के दर्शन को रोजाना उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। अयोध्या में राम भक्तों के लिए बना 7,000 किलो हलवा, विश्व प्रसिद्ध शिव विष्णु मनोहर ने तैयार किया हलवा। आगरा किले में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जयंती समारोह में लिया हिस्सा।
हुबली में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर जुलूस का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने जुलूस में हिस्सा लिया। ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में स्पेशल लेजर लाइट शो का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शो का आनंद लिया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 10% मराठा समाज के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र में मंजूरी मिली। मुंबई में मराठा समुदाय को बधाई देने वाले पोस्टर लगे। मराठा आरक्षण के लिए विशेष सत्र के पहले विधान भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर पोस्टर लगे। मराठा आरक्षण के लिए विशेष सत्र के पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, हम सब चाहते हैं कि एक मत से यह निर्णय हो जाए और आरक्षण पर जो फैसला रुका है वो स्पष्ट हो जाएगा। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बड़े पैमाने पर शुरू करेगी बस यात्रा। आज से 2 मार्च तक निकालेगी यात्रा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कल चारमीनार में देवी भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथों को दिखाई हरी झंडी। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामा। कांग्रेस के सभी विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी दिल्ली और यूपी में बदला मौसम का मिजाज। सोमवार देर रात से दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी। यूपी के कई जिलों में आज ओलावृष्टि के आसार। जम्मू कश्मीर के रामबन के महू घाटी में ताजा हिमपात। बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ खिली। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर में ताजा हिमपात के बाद गुलमर्ग में एडवेंचर स्पोर्ट्स ने लगाई छलांग। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक स्कीइंग का उठा रहे हैं लुत्फ। केलांग में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। भारी हिमपात से पारा गिरा। बढ़ी ठिठुरन। लद्दाख के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी। द्रास कारगिल में बर्फबारी के बाद घाटी में मौसम नील करवट। चांदी से दिख रही है पहाड़ों पर गिरी सफेद बर्फ। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने भारी बारिश और खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी की जारी। पूंछ में मंडी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को अलर्ट देने के माइकिंग के जरिए सतर्क किया गया। अमेरिका की सियासत में एक और भारतवंशी की एंट्री। 24 साल के अश्विन रामास्वामी जॉर्जिया स्टेट सीनेटर का लड़ेंगे चुनाव। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट के उम्मीदवार होंगे रामास्वामी। तमिलनाडु मूल के अश्विनी रामास्वामी ने हिंदू धर्म पर कही बड़ी बात। कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व। गीता रामायण महाभारत और उपनिषदों का किया हूं अध्ययन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने पर विवाद। ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने सुनक के खिलाफ शुरू की जांच। ब्रिटिश पीएम के खिलाफ हुई थी 500 शिकायतें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर विरोधी अलेक्सी नवलनी की पत्नी का बड़ा आरोप। कहा, जेल में नवलनी को जहर देकर मारा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इसराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में चल रहे अफ्रीकी संघ की बैठक में लूला ने इसराइली हमले की तुलना हॉलोकॉस्ट से की।